हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज खुशबू सिंह। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साड़ी को अच्छी तरीके से प्लेट्स बनाना और पिनिंग करना, साथ ही कुछ स्टाइल्स भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों की, मोस्टली लोगों की कॉमेंट्स आती है कि आपको मेरी च्वाइस पसंद है, तो अगर ये साड़ी आपको लेनी होगी तो इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो जिनको पसंद आए वो डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी साड़ी की ड्रेपिंग। तो हमेशा जब आप ड्रेप करने वाले होते हो ना, ड्रेप मतलब साड़ी को ऐसे पेटीकोट में इन करना, फिर प्लेट्स बनाना, फिर शोल्डर प्लेट्स बनाना, तो इसको ड्रेपिंग कहते हैं। तो देखिए, जब आप साड़ी की ड्रेपिंग शुरू करते हो तो हमेशा आप अपनी राइट साइड से ही साड़ी को इन करना शुरू कीजिए और नीचे की तरफ लेंथ देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फ्लैट पहनते हो तो फ्लैट भी पहन लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि साड़ी में आपको हील्स ही पहनने हो। बहुत कोई हील्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि साड़ी में आप हील्स ही पहनिए। वो आपकी कंफर्ट के हिसाब से आपको जो पहनना है पहले ही आप पहन लीजिए अपनी स्लीपर में, और उसके बाद साड़ी की आप ऐसे लेंथ देख लें कि लेंथ आपको कितनी रखनी है। उतनी ही नीचे की तरफ लेंथ रखिए जितना आप चलने फिरने में कंफर्टेबल रहें, ठीक है। अब इसके बाद जब आपकी राउंड कंप्लीट होती है तो थोड़ा सा आप अपनी राइट की तरफ साड़ी को खींचते हुए टाइटली इसको टक कर दीजिए अपनी पेटीकोट की डोरी में। डोरी को आप चाहो तो किनारे भी बांध सकते हो या सामने भी बांध सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने कमर के दोनों साइड को बिल्कुल फ्लैट रखिए अपनी पेटीकोट की, तभी आपकी ये जो बेसिक राउंड है वो अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि साड़ी पहनते वक्त कभी भी आप अपने हाथों में चूड़ियाँ ना पहने, इस टाइप की तो स्टाइलिश चूड़ियाँ कभी भी ना पहने, क्योंकि ये साड़ी में फंस जाती है और साड़ी का जो धागा होता है वो निकल जाता है। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको एक पर्सनल टिप्स देना चाहती हूँ। चलिए अब इसके बाद हम ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए अपनी लास्ट साड़ी की कॉर्नर पे पहुँचेंगे, यानी कि हमारा पल्लू वाला साइड। इस पल्लू वाले साइड को हम रफली अरेंज करेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम बाद में प्लेट्स कैसे बनाएंगे ये मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी रफली अरेंज करके घुमा कर हम अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पर डाल देंगे। और यहाँ पे हम लेंथ मेज़र करेंगे। देखिए, अगर आप लंबी पल्लू रखना चाहते हो, आप अगर सोचते हो कि हमें सर पे ही पल्लू लेनी है तो हम कंफर्टेबल हैं, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो फ्लोर टचिंग भी। पर अगर आपको सर पे नहीं रखना है अपनी पल्लू को, तो आप नॉर्मली घुटने से नीचे तक ही पल्लू की लंबाई रखिए। अब इसके बाद जो बॉर्डर पतली वाली है, आप वीडियो में देखिए, इस पतली बॉर्डर को हम कमर के पास लेकर आएंगे। चलिए, बहुतों की शिकायत आ चुकी है कि हमारी जो लूज पेटीकोट होती है बिना शेप वियर वाली, उसमें हम पिन जब लगाते हैं कमर के पास तो वो लूज़ हो जाती है। चलिए, इसकी भी इस परेशानी को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप कमर के पास थोड़ी सी कपड़े को ऐसे पकड़िए और इसको ट्विस्ट कर लीजिए, पहले ही ट्विस्ट कर लीजिए। अब देखिए, जहाँ पे मैंने हाथ रखा है वहाँ पे आपको अपने हाथ को रखना है, थोड़ा सा दबाते हुए आपने जिस पार्ट को ट्विस्ट किया है उसको अपनी पेटीकोट में इन करना है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये पिन मैं हमेशा अपनी पेटीकोट को साथ में लेकर बनाती हूँ। ये हिस्सा आपका टाइट हो जाएगा जब हम अपनी कंधे वाली प्लेट्स बनाएंगे। अब लीजिए, कमर पे जो प्लेट्स आ रही हैं हम इनको सेट कर देंगे, और देखिए जब आपकी शोल्डर प्लेट्स बन जाएगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। चलिए, इसके बाद अब जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक राउंड करते टाइम आपको थोड़ा सा फिटिंग रखना होगा ये वाला साइड, तो अब नेवल के पास आपका जो फैब्रिक आ रहा है वहाँ पे आप अपना अंगूठा रख लें और अपनी फिंगर को ऐसे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आपको केवल अपनी फैब्रिक को ज़िगज़ैग मूव करना है। अंगूठे से मैंने यहाँ पे दबा रखा है, वही मैं आपको शो कर रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपका जो सामने का प्लेट्स होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होगा, क्योंकि चौड़ी प्लेट्स बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जगह पे बैठी रहती हैं और हमें उन पर ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता।
तो जिनको भी साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है, प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, आप कुछ भी मत कीजिए, चौड़े चौड़े प्लेट्स में ही बनाइए और कमर वाला हिस्सा बना लीजिए और अच्छे से अपनी पल्लू वाला हिस्सा सेट कर लीजिए। बस देखिए, आपको कोई भी नहीं कहने वाला कि आपने पहली बार साड़ी पहनी है। ओके, प्लेट्स बनाने के बाद मैंने आगे वाले हिस्से को अभी नहीं पकड़ा है, पीछे वाले हिस्से को मैं खींच रही हूँ और अब सामने वाले हिस्से को पकड़कर नीचे में बेसिक राउंड जो हमने लगाया था उस लेंथ के बराबर हमें अपने प्लेट्स की लेंथ को देखनी है और बेली बटन के पास टक करनी है। तो ये जो साड़ी है ये मैंने धोया नहीं है, बिल्कुल न्यू साड़ी है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इस टाइप का है कि फुला फुला टाइप का है। तो अगर आप भी कोई न्यू साड़ी पहनते हो, ऐसे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो बस हाथों से पकड़कर आप इनको टाइट कर लीजिए। ये वाला स्टेप आप चेयर पे बैठकर भी कर सकते हो। चलिए अब हम अपना कंधे वाला प्लेट्स बना लेते हैं। तो एक साइड है हमारा पतला बॉर्डर, एक साइड है चौड़ा बॉर्डर। तो आपको चौड़े बॉर्डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, चौड़ा बॉर्डर है तो है, हम आपको कितना पसंद है या हमें कितना पसंद है प्लेट की चौड़ाई, वो आपको ध्यान देना है। तो आज मैं आपको अपनी राइट हैंड साइड से प्लेट बनाना सिखाऊंगी। तो केवल आपको आपकी अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली फिंगर से एक साइड पकड़ना है बॉर्डर की साइड को, और देखिए अपने हाथों पे आगे की जो लेंथ है साड़ी की उसको ऐसे फैलाते हुए केवल अपने तीन फिंगर का इस्तेमाल करते हुए चौड़ाई मेंटेन करते हुए जाना है। देखिए ये जो स्टेप है वो मैं आपको काफ़ी स्लोली सिखा रही हूँ ताकि जो भी बिगनर्स हैं वो अच्छे तरीके से सीख पाएँ। ये देखिए हमारा जो लास्ट प्लेट होगा उसका डायरेक्शन हमारे लेफ्ट हैंड के साइड पे होगा। राइट और लेफ्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगी कौन सा हमारा लेफ्ट है और कौन सा हमारा राइट है। अब हमें प्लेट्स को थोड़ा सा खींचते हुए बाहर की तरफ निकालना है ताकि आगे की तरफ हमें अपनी लेंथ को कैसे पकड़ना है उसका अंदाज़ा हमें मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपनी प्लेट का ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल टाइट पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर हम एक बार में ऐसे पकड़ते हैं तो कुछ प्लेट्स क्या होती है ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसीलिए नीचे के फिर प्लेट्स को उन्हीं के हिसाब से पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अगर पकड़ के मोड़ कर पकड़ लोगे तो देखिए अब जो प्लेट्स हैं ऊपर से नीचे तक जो आई हुई हैं हमें उनको बाहर खींच खींच कर निकालना है, बिल्कुल टाइटली खींचना है और बाहर की तरफ निकालना है। अब आप इनको कलेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि काफ़ी तामझाम वाला स्टेप है तो आप एक बार में ही प्लेट्स बना सकते हो, केवल आप एक हिस्सा अपने कंधे पे रख लीजिए और फिर प्लेट्स को उठाते हुए जाइए, इसे एक बार में आपका प्लेट्स उठ जाएगा। पर ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, अगर आपको प्रोफेशनली ड्रेपिंग चाहिए फाइनल लुक में तो आपको ऐसा करना होगा। चलिए अब बहुत कोई बोलते हैं कि साड़ी पहनते वक्त हम आयरन नहीं यूज़ कर पाते या आयरन यूज़ करना बहुत ही झमेला वाला काम लगता है, तो जिनकी भी ये शिकायत है वो अपने घुटने का इस्तेमाल कीजिए आयरन की जगह पे और देखिए आपकी प्लेट्स कैसे परफेक्टली आयरन की हुई दिखती है। चलिए अब हम अपनी पूरी लेंथ को इसी तरीके से उठाएंगे, इस हिस्से को कंधे पे रखेंगे और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ऐसे प्लेट्स अरेंज करेंगे। मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा जो कोशिश है वो बेकार ना जाए और जो भी बिगनर्स हैं उनको अच्छी तरीके से सारे स्टेप्स समझ में आ जाएं। जब आपकी ये पूरी लेंथ अच्छे से प्लेट्स में आ जाती है तो कमर वाले हिस्से को थोड़ा सा हम सेट करते हुए कंधे वाले प्लेट को अपने कंधे पे डालेंगे।
अब यहाँ पे जो हमारा कंधे वाला पिन होता है, देखिए ठीक इस जगह पे ही लगता है, ताकि हमारा जो पल्लू है वो कोई भी काम करते वक्त, ज़रूरी काम करते वक्त, पूजा करते वक्त, या फिर कुछ भी ऐसा काम, खाना देते वक्त, वो सामने ना आ पाए। चलिए अब हम एक ज़रूरी चीज़ सीखेंगे कि अगर लॉन्ग पल्लू है, आपको लॉन्ग पल्लू लेना पसंद नहीं, या फिर लॉन्ग पल्लू आपको लेना पसंद है पर आपसे संभलता नहीं, तो आप अपनी लॉन्ग पल्लू को अपनी ब्लाउज की लेंथ पे ऐसे पिनअप कर सकते हो और पीछे की भी पल्लू अच्छी तरीके से समेटी हुई रहेंगी। अब सामने की तरफ वाली बॉर्डर अगर आपके गर्दन पे ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रही है, तो आप केवल उसी बॉर्डर को अंदर की तरफ टाइट करते हुए, अच्छे से दबाते हुए एक छोटी सी सेफ्टी पिन लगा लीजिए। अब सामने की सभी प्लेट्स को उनकी उनकी जगह पे अच्छे से फैला दीजिए। अगर आपके पास कमर धनी है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो भी आपकी ड्रेपिंग ऐसी होगी कि आपको कमर धनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, अगर आप बिगनर हो तो आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए, थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, आप ठीक है एक बार में परफेक्ट नहीं कर पाते, आप फिर से कोशिश कीजिए, हो सकता है दूसरी बार में आप परफेक्ट हो जाएं। चलिए अब हम अपनी सेकंड स्टाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टाइल होगा, हम इसी में आगे बढ़ेंगे। केवल पहले हम अपनी कमर के पास हमने जो पिन लगाया था, उस पिन को हमें रिमूव करना है। अब कंधे पे लगी हुई पिन को हम रिमूव करेंगे और अपने पल्लू को यहाँ से निकालकर पीछे की तरफ से लाकर सीधा पल्ला अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डालेंगे। सामने की तरफ पल्लू की लेंथ आपके घुटने से नीचे तक होनी चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। अब हम शोल्डर पिन यूज कर लेंगे। इसके बाद हमारे पल्लू का जो सबसे ऊपर वाला प्लेट है, इस प्लेट को हमें कुछ ऐसे इसकी किनारी को पकड़ना है और दो तीन ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स में पकड़ लेना है। अब ये वाला हिस्सा पीछे की साइड से घूमकर हमारे सामने वाले प्लेट्स को टच करेगी। प्लेट्स जब आ रही हैं हमारे कमर पे, तो मेक श्योर आपका सामने वाला पल्लू ज़्यादा ख़राब ना हो, अगर हो रही है तो आप उसी वक्त उनको ठीक करने की कोशिश करें। अब इसके बाद कमर पे जो भी प्लेट्स आ रही हैं, आप पहले ही उनको फैला लीजिए और इनको सामने टक कर दीजिए। अगर टक वो रह रही है उस जगह पे तो ठीक है, अगर नहीं रह पा रही है तो आप पिन का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। देखिए ये वाला जो प्लेट है, वाटरफॉल प्लेट्स हम इसको बोलते हैं, ये अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो मैं इनको ऐसे उठाकर और फिर इसको अच्छे से सेट करने की कोशिश करूँगी। कमर धनी मैं इसमें ऐसे यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने कमर धनी को यू शेप में रखा है और लीजिए हमारी सेकेंड ड्रेपिंग भी कंप्लीट है। तो बस किसी भी खास मौके पे अगर आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगना है, तो अच्छे से मेकअप करके थोड़ी सी ज्वेलरी डालकर आप साड़ी को ऐसे ड्रेप कर सकते हो। अपने थर्ड स्टाइल के लिए हम इसी में आगे बढ़ेंगे, बस आपको आपकी फ्रंट प्लेट्स तक अपनी साड़ी की ड्रेपिंग कंप्लीट करके रखनी है। केवल हम अपनी जो पल्लू लेंथ है उसमें चेंजेस करेंगे। इस बार पल्लू को हम सामने से ही डालेंगे अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे। देखिए बॉर्डर हमारा ठीक वैसा ही है, बिल्कुल पतला, भले ही नीचे की तरफ बॉर्डर की लेंथ ज़्यादा है, बट इसको हम ऐसे सेट कर देंगे थोड़ा सा हाथों से थपथपाकर, इनको उनकी जगह पे बैठा देंगे। पीछे की तरफ लेंथ देख लीजिए एक बार, फ्लोर टचिंग भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम अपनी सामने ली हुई जो लेंथ थी उसके अंदर से घुसाते हुए अपनी बची हुई लेंथ को निकालकर वापस पीछे से घुमाकर सामने वाले प्लेट्स के ऊपर टक कर देंगे।
ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरे बातों से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट नहीं। अगर आप वीडियोस देख रहे हो अच्छे तरीके से, मेरे बातों पे ध्यान भी दे रहे हो, तो बहुत ही इजी है। लीजिए, हमारा थर्ड स्टाइल भी रेडी है। तो इस टाइप की चौड़ी बॉर्डर्स के साथ ऐसे स्टाइल्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। चलिए, फोर्थ स्टाइल में मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ। ये दो तरह के केन केन स्कर्ट हैं, एक जो मैंने पहना हुआ है और एक ये है जो लूप वाला है। तो लूप वाली केन केन स्कर्ट मैं आपको लेने के लिए नहीं बोलूँगी। जो मैं पहनी हुई हूँ वो मेरी फोर लेयर वाली केन केन स्कर्ट है, और जो मेरे हाथ में है वो डबल लेयर वाली है। लेकिन ज़्यादा आपको फुली हुई वही दिख रही है क्योंकि वो लूप वाली है। लूप वाली केन केन स्कर्ट में बैठने में प्रॉब्लम होती है, और बिना लूप वाली केन केन स्कर्ट में बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, अब मैं आपको ड्रेबिंग भी सिखा देती हूँ। तो आप अपनी साड़ी की प्लेट्स अपने राइट साइड से बनाना शुरू कीजिए। ज़रूरत पड़ने पे हम इसको और भी अपनी राइट साइड पे घुमा सकते हैं। तो देखिए, आपको चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनानी है, और जब आप गैप दे रहे हो दो प्लेट्स के बीच में, तो उस गैप को मेंटेन करनी है। तो ठीक ऐसे ही हम पीछे तक प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे और अपने फ्रंट तक आएंगे, क्योंकि लहंगा जब तक फुली हुई ना दिखे तब तक लहंगे का मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए वॉल्यूम देने के लिए मैंने केन केन स्कर्ट का यूज़ किया है। ये केन केन स्कर्ट आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, शायद फ्लिपकार्ट पे आपको ना मिले। इस केन केन स्कर्ट का नाम है विदाउट लूप वाली केन केन स्कर्ट। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। अब देखिए, जो बचा हुआ लेंथ था उसको मैंने अपने कंधे पे डाल दिया है, और ऐसे रखा है मैंने इसको कंधे पे कि ये सामने से इसकी जो बॉर्डर है वो बिल्कुल दुपट्टे की तरह लगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा अपने प्लेट्स को घुमाकर लेफ्ट की तरफ कर देंगे। अब ऐसे स्टाइल में आप इस टाइप के अगर मेटल वाली बेल्ट है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, और लीजिए ऐसी लहंगे में आप बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे। लूप वाली केन केन स्कर्ट के साथ शायद आप उतने कंफर्टेबल ना रहो बैठने पे। तो इस वीडियो में आपकी फेवरेट स्टाइल कौन थी उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सुबह।